हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। GMDC यानी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है गुजरात मिनरल रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी सोसाइटी। ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड कंपनी है जिसने वैकेंसी निकाला है 50 माइन सरदार यानी कि माइनिंग सरदार का और 20 ओवरमैन का। तो इन दोनों पोस्ट के बारे में डिटेल में बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये वैकेंसी ऑथेंटिक है, क्या इसके ऑफिशियल वेबसाइट में कोई इसके बारे में दिया गया है। तो चलिए चेक करते हैं। कोई भी क्रोम ब्राउज़र खोल लेंगे। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद इसमें हम लोग सर्च करेंगे GMDC। जो फर्स्ट नंबर पे आया है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे www.gmdcltd.com में। आपको बता दें, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एक गुजरात गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग कंपनी है, यानी कि ये एक स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है जिसके अंदर में बहुत सारी चीज़ों का माइनिंग होता है, जैसे लिग्नाइट, बॉक्साइट, फ्लॉस्फर, मैगनीज, सिलिका सैंड, लाइमस्टोन, इन चीज़ों का माइनिंग इसके अंदर में किया जाता है। इसके साथ ही GMDC मिनरल्स के अलावा थर्मल पावर प्लांट, वाइंड पावर प्लांट और सोलर पावर प्लांट भी चलाती है। अब हम लोग वैकेंसी को चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ साइड में जो 3 डॉट लाइन है उस पर हम लोग क्लिक करें। तीनों लाइन में क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारा पोर्टल खुल जाएगा। उस पोर्टल में हम लोग नीचे करते करते HR जो पोर्टल है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, इस पोर्टल में जाएंगे। इस पोर्टल में जाने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन बचेंगे, ह्यूमन रिसोर्स, करियर, एम्प्लॉयमेंट कॉर्नर। तो हम लोग करियर ऑप्शन में चूज़ करेंगे। करियर ऑप्शन में चूज़ करने के बाद GMRICS करके कुछ आएगा, उसमें हम लोग क्लिक कर देंगे। आपको बता दें, GMRICS का मतलब क्या है? GMRICS का मतलब है गुजरात मिनरल रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी सोसाइटी। इसका मतलब कि करियर के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी रखी है, जो कंसल्टेंसी सर्विसेज करती है GMDC के लिए, वो ऑथेंटिक है। यानी ये कंपनी जो है गुजरात मिनरल रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी सोसाइटी का जो वैकेंसी हम लोग देख रहे हैं, ये ऑथेंटिक है। अब हम लोग चेक करते हैं आगे की चीज़ें। GMRICS में क्लिक करने के बाद हमारे पास 4 एडवर्टाइजमेंट खुल जाते हैं, जिसमें आपको बता दें कि एक है एडवर्टाइजमेंट ऑफ माइनिंग सरदार का जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, एक है एडवर्टाइजमेंट ऑफ जूनियर ओवरमैन, और 2 जो दिया गया है वो माइनिंग सरदार के लिए एप्लीकेशन फॉर्म और ओवरमैन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यानी अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक PDF को क्लिक करते हैं, जूनियर ओवरमैन को। एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करने के बाद एक PDF डाउनलोड होगा, वो हमारे सामने खुल गया, GMRICS यानी गुजरात मिनरल रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी सोसाइटी। इसके अंदर जो ओवरमैन, जूनियर ओवरमैन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकाला गया है, उसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 20, और इसका जो पोस्टिंग होगा यानी कि जॉब लोकेशन जो होगा वो गुजरात के किसी भी जगह माइंस में दिया जा सकता है। और इसका जो सैलरी दिया गया है, जिसका कंपनसेशन यानी जिसको हिंदी में मुआवजा बोलते हैं, वो कंसोलिडेटेड फिक्स्ड सैलरी। कंसोलिडेटेड का मतलब है सब कुछ मिला के, यानी TA DA जितने भी अलाउंसेस होते हैं सारा चीज़ मिला के आपको 38,000 पर मंथ दिया जाएगा सैलरी। मैक्सिमम एज जो है वो 1/3/2020 के हिसाब से 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए ओवरमैन सर्टिफिकेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड क्लास माइन मैनेजर वाले सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, और ये अप्रूव्ड होना चाहिए DGMS से। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि CMR 2017 के हिसाब से एक निकाला गया है वैलिड सर्टिफिकेट वाले ही स्टेचुअरी पोस्ट है। इसके लिए कोई भी अदर एम्प्लॉय अप्लाई नहीं करे, कोई भी अदर पर्सन अप्लाई नहीं करे, कैंडिडेट अप्लाई नहीं करे, इसके लिए सिर्फ वही अप्लाई करे जिसके पास स्टेचुअरी सर्टिफिकेट्स हैं कम्प्लीट। और ये 11 मंथ का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, यानी कि मैक्सिमम पीरियड जो है वो 11 मंथ है इसके लिए। और जो सेलेक्ट किया जाएगा वो 38,000 रुपये दिया जाएगा फिक्स्ड सैलरी। इसके बाद इसमें लिखा गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट को अप्लाई करना है, एक फॉर्म में दिया गया है, वो फॉर्म भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस फॉर्म में भरने के बाद सेल्फ सर्टिफाइड जेरेक्स कॉपी, मतलब सेल्फ सर्टिफाइड का मतलब है सेल्फ टेस्टेड यानी खुद से सिग्नेचर करके जितने भी जेरेक्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल 10th का मार्कशीट होगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए के तौर पर, और आधार कार्ड होगा, फ़ोटो होगा आपका, ओवरमैन के सर्टिफिकेट जितने भी होंगे, उस सारे का सारा जेरेक्स करके उसमें खुद आपको साइन करना है। उसके बाद उसको आपको पोस्ट करना है, कौन से एड्रेस में पोस्ट करना है, तो ये एड्रेस दिया हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं, गुजरात मिनरल रिसर्च इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी सोसाइटी, कांजी भवन, 132 फीट, रिंग रोड, यूनिवर्सिटी ग्राउंड, वस्त्रपुर, अहमदाबाद। तो इसी एड्रेस पर आपको पोस्ट करना है।
10 सितंबर 2020 से पहले हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ओवर मेन वैकेंसी भरने के लिए जो फॉर्म भरना है उसमें क्या क्या चीज़ मांगता है। राइट हैंड साइड में रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना है जो कि कलर होना चाहिए। पोस्ट अप्लाइड फॉर इसमें आपको जूनियर ओवरमैन या ओवरमैन लिखना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको भरना है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ भरना है, नेटिव प्लेस, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, फादर नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर टंग, ब्लड ग्रुप, पैन नंबर, पासपोर्ट डिटेल। पासपोर्ट डिटेल में अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस दोनों डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। एम मतलब है मोबाइल, आर मतलब रेसिडेंशियल, ओ मतलब ऑफिस का। ईमेल एड्रेस भी आपको डालना है। प्रेजेंट सैलरी, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको कितना सैलरी मिल रहा है। एक्सपेक्टेड सैलरी भी आप इसमें डाल सकते हैं, बट मेरा मानना है कि आप अगर गवर्नमेंट के लिए भर रहे हैं तो यहाँ 38,000 ही डालें। हाउ सून यू कैन ज्वाइन, इसमें आप लिख सकते हैं कि आप कब ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं जॉब मिलते ही। एकेडमिक रिकॉर्ड में आपको अपना एकेडमिक रिकॉर्ड भरना है। सबसे पहले यहाँ 10th क्लास से शुरुआत, एग्जामिनेशन में आपको 10th लिखना है। इंस्टीट्यूशन में आपका इंस्टीट्यूशन का नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज या फिर ग्रेड, CGPA, और मेजर सब्जेक्ट भी आप इसमें चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। डिटेल ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ ऑब्टेनिंग स्टेचुअरी सर्टिफिकेट, इसमें आपको जो स्टेचुअरी सर्टिफिकेट आपको दिया गया है, अगर आप ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर में जो राइट साइड में अपर में डेट दिया गया है वो डेट आपको भरना है। अगर माइनिंग सरदार के हैं तो माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट में जो दिया गया है वो भरना है। हैव यू गॉन एनी अदर ट्रेनिंग, अगर आपने PDPT को छोड़ के और अपना वोकेशनल ट्रेनिंग को छोड़ के कॉलेज लाइफ का अगर आपने उसके बाद भी कोई ट्रेनिंग किया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेंशन योर रिसर्च, अगर आपने कोई रिसर्च या पब्लिकेशन किया है तो इस पर लिख सकते हैं। किसी एसोसिएशन के साथ अगर आप मेंबरशिप किए हैं तो यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी भी भर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं कि मुझे कौन कौन सी भाषाएँ आती है, लिखना पढ़ना ये सब चीज़ें। एक्सपीरियंस क्रोनोलॉजी अलॉन्ग विथ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डिटेल भर, अगर गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में आपके कोई एम्प्लॉय काम करते हैं जान पहचान के तो वहाँ पे आप इसका रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। सीरियल नंबर के साथ उनका नाम, ऑक्यूपेशन और नाम और कॉन्टैक्ट भी दे सकते हैं, बट नाम के नीचे में उनका एम्प्लॉय नंबर भी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा अगर आपके हैं तो, अगर नहीं है तो आप खाली रख सकते हैं। यहाँ पे डेट प्लेस लिख के इसको सिग्नेचर करना है। इसके बाद आपको 10th क्लास का यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी अटैच करना है। उसके बाद आपके जो डिप्लोमा के सर्टिफिकेट है फाइनल ईयर के उसकी एक कॉपी अटैच करनी है, और साथ ही साथ ओवरमैन सर्टिफिकेट का जेरेक्स कॉपी आपको अटैच करना है, और आधार कार्ड एक जेरेक्स अटैच करना है। इतना चीज़ अटैच करने के बाद जितने भी जेरेक्स कॉपीज है उसमें आपको एक सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर करने के बाद आपको उसको पोस्ट करना है इसी एड्रेस पे जो ऊपर में लिखा हुआ है। जीएम कंपनी द्वारा यानी GMDC के अंदर में जो कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनी है उसके द्वारा 50 माइन सरदार यानी माइनिंग सरदार का वैकेंसी निकाला गया है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे, जिसका जो कंसोलिडेटेड सैलरी यानी कि पूरा पूरी जोड़ जाड़ का जो हाथ में सैलरी आएगा वो 20,000 पर मंथ आएगा। और इसमें जो एज रेस्ट्रिक्शंस है वो 45 साल होना चाहिए मैक्सिमम, उससे कम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन में माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट, ओवरमैन का या सेकंड क्लास मैनेजर, इनमें से किसी का भी अगर सर्टिफिकेट है आपके पास DGMS अप्रूव्ड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अटैच करना होगा एज प्रूफ में कुछ भी आप अटैच कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सेकंड क्लास मैनेजर, DGMS से अप्रूव्ड आपको सर्टिफिकेट अटैच करने हैं, उसके जेरेक्स, उसके साथ ही मार्कशीट जो आपको फाइनल ईयर में मिले थे वो अटैच कर सकते हैं आप, या फिर आपके साथ अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप वहाँ पर वोटर कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से कोई भी अटैच कर सकते हैं। माइनिंग सरदार का भी फॉर्म आपको ऐसे ही भरना है, और फॉर्म भरने के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको उसी एड्रेस पे पोस्ट करना है जो उस पर लिखा हुआ था जो मैंने बताया। ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और उससे रिलेटेड सारी वैकेंसीज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की साइड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।